गुजरात के भरूच के झगड़िया में रतनपुर से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर हजरत बाबा गौर दरगाह का पानी का कुंड है, जहां हर वर्ष भादो महीने के आखिरी गुरुवार को विशेष धर्मोत्सव आयोजित होता है, जिसमें वडोदरा की खानकाहे रफैया के हजरत मोइनुद्दीन कमालुद्दीन बाबा और दरगाह के गादी वारस हजरत जानू बापू के हाथों फूल और नारियल से कुंड की पूजा की गई। इस मौके पर भव्य मेले का भी आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और हजरत बाबा की मुबारक दुआओं का लाभ लिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आज हज़रत नूबी शाह रहमतुल्लाह अलैह उर्फ़े बोरी शाह बाबा के आस्थाने पे हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ है। आज यहाँ पे चश्मे का जलसा है और ये उसी जुलूस की शुरुआत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान से बरसों बरस से यहाँ पे ये इस चश्मे के जुलूस में हमारी शिरकत होती है और यहाँ पे इस जुलूस में दूर से नज़दीक से बड़ी तादाद में अकीदतमंद आते हैं और हज़रत गोरी शाह बाबा के आस्थाने पे वो जो भी दुआएं और अपनी आरजुएं रखते हैं, अल्लाह ताला उसके रसूल के सदक़े में और पीर गोरी शाह बाबा की दुआओं के वसीले से उनकी वो दुआओं को कबूल फरमाता है। दुआ यही है कि ये जो सिलसिला है पीर गोरी शाह बाबा के दर का, उनके आस्थाने का, उनके चश्मे का जो सिलसिला है और जो उर्स का सिलसिला है, वो सब यहाँ के खादिम जितने हैं और उनके मानने वाले जितने हैं, बड़े ही प्यार मोहब्बत से, अकीदत से, इत्तेहाद से हमेशा आगे भी मनाते रहेंगे और पीर गोरी शाह बाबा का फयूज़ और बरकात अल्लाह ताला कयामत के दिन तक जारी और सारी रखेगा इंशाल्लाह। बस दुआ है, जो आए हुए जायरीन हैं उन सभी को मैं मुबारकबादी देता हूँ आज के जलसे की और ये दुआ करता हूँ कि जो भी जैसी भी तमन्नाएँ लेकर आए हैं, अल्लाह ताला उनकी जायज़ मुरादों को उसके रसूल के सदके में और पीर गोरी शाह बाबा की दुआओं के वसीले से अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। गुजरात के भावनगर के कोलियाक में निष्कलंक महादेव के दर्शन के लिए दक्षिण भारत के तमिलनाडु से एक निजी बस में सवार होकर 29 लोग दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। भावनगर में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही थी। घोघा में 6 इंच से ज्यादा बरसात के चलते मालेश्वरी नदी उफान पर थी, जिसे श्रद्धालुओं की बस लेकर आ रहे ड्राइवर की घोर लापरवाही के चलते बस नदी के तेज जल प्रवाह में फंस गई, जिससे 29 लोगों की जान खतरे में पड़ गई। बस के पानी में फंसे होने की जानकारी मिलने पर ग्रामजनों द्वारा तत्काल सरपंच को इत्तला की गई। तत्काल घोघा के मामलतदार, प्रशासन, पुलिस विभाग समेत का काफिला मौके पर पहुंचा। स्थिति को बेकाबू होता देख भावनगर कलेक्टर, भावनगर एसपी, विधायक जीतू वाघानी समेत के लोग भी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुए। भावनगर फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय तैराकों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें एक ट्रक के जरिए बस के निकट पहुंचकर सलामत रूप से 29 लोगों से भरी बस को कांच तोड़कर सभी लोगों को ट्रक में बिठाया गया। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब ट्रक भी पानी के तेज प्रवाह में फंस गई और 29 लोगों की जान फिर से खतरे में पड़ गई। और यहाँ सबसे बड़े दुख की बात यह थी कि राज्य सरकार द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट की बड़ी बड़ी बातें तो की जाती है, लेकिन 6 घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ना डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई संसाधन दिखा, ना ही कोई विशेष लाइट यहाँ दिखाई पड़ी। जो लोग कार लेकर मौके पर पहुंचे थे, उनकी कार की लाइट से रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार अंजाम देने की कोशिश की गई। आखिरकार भावनगर के कलेक्टर ने एनडीआरएफ की सहायता ली और एनडीआरएफ की सहायता से 29 लोगों को सुरक्षित रूप से
रेस्क्यू किया गया। निष्कलंक महादेव कोड़िया खाते एक तमिलनाडु थी पोंडिचेरी नी बस यहाँ 29 लोग ड्राइवर सहित दर्शने आवेला स्नान करवा आवेला भारे वरसाद अने दरियानु पाणी बन्ने भेगू थता आजे कोजवे छे त्यां बस फसायेली। सदनसीबे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेले एना ध्यानमां आवता कलेक्टरशीने तंत्रने कामे लगाड्यू, मने पण फोन कर्यो, मने पण अहीं मोकल्यो के संकलन करीने व्यवस्थाओ तात्कालिक गोठवो। एक ट्रक त्यां मोकली, बसना काच फोड़ीने तमाम जे दर्शनार्थीओ छे, जे प्रवासी छे, એમને સહી સલામત એ ટ્રકમાં ખસેડવામાં આવ્યા। સ્થાનિક ગામના સરપંચથી માંડી સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર, કલેક્ટર શ્રી આરકે મહેતા, કમિશનર શ્રી સુજીતકુમાર, ડીએસપી શ્રી હર્ષદભાઈ અને તમામ વહીવટીતંત્ર, આરોગ્યની ટીમ પણ કામે લાગી, પણ ત્યાં પણ એક ટ્રકનું પડ્યું, ફસાઈ જતાં વળી પાછી એક તકલીફો ઊભી થઈ અને પાણી પણ સતત વધવું ઘટવાની પરિસ્થિતિ થઈ। કલાકો પછી ઘણા બધા નિર્ણયો અલગ અલગ પ્રકારના થયા, એનડીઆરએફની ટીમ પણ આવી, એટલો બધો પ્રવાહ હતો એ પણ ન પહોંચી શકી। પછી એક કેલ્ક્યુલેટિવ રિસ્ક એ લેવાનું નક્કી કર્યું અને અમે એક જે સ્થાનિક ટ્રક છે એ ટ્રકને ત્યાં મોકલ્યો। આપણા કોર્પોરેશનના ફાયરની ટીમને અભિનંદન આપીશું, સામેથી ચાર લોકોને ઉતાર્યા પણ ખરા। એનડીઆરએફની ટીમ પણ ખૂબ મહેનત કરી અને અંતે એ ટ્રકમાં સ્થાનિક લોકો, આપણું વહીવટીતંત્ર, પોલીસ અને ફાયરના લોકોએ ત્યાં એક નિશાની લઈને પાછા અહીંયા એમને બધાને લાવ્યા અને ટ્રકમાં રિવર્સ ટ્રક એ આપણે અહીંયા પહોંચાડી છે કે કેલ્ક્યુલેશન પણ રિસ્કી હતું, પણ અમે કહેલું કે એવું લાગે તો એ ટ્રક આગળ લઈ જાય ને પછી આગળથી કોઈ રસ્તો એ નીકળે, સવાર સુધી પાણી ઉતરે એની રાહ જોવાનું જોખમ હતું। સદનસીબે ઈશ્વરે આપણને મદદ કરી, વરસાદ પણ લઈ ગયો, તંત્રની પણ એટલી સાવચેતી, એમના કારણે અન્ય રાજ્યના તમિલનાડુના 29 લોકો એ હેમખેમ આજે પોલીસની બસમાં આપણે ત્યાં ભાવનગર લઈ જઈ રહ્યા છીએ। ત્યાં એક પાટીદાર સમાજની વાડી છે, તેમને રોકીશું ને કાલે બધા સાથે વાત કરીને એમને એમના વતનમાં પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કરું છું। પણ મુખ્યમંત્રીશ્રીને હું વિશેષ આ તકે એમની સંવેદનાને ઋણ સ્વીકાર કરું છું, ભાવનગરના બનાવને ખૂબ સંવેદનાથી લીધો, 3 વાર વાત કરી, અત્યારે 3 વાગે પણ માની મુખ્યમંત્રી છે પૂછા કરી, એમણે કહેલું મને જાણ કરજો, તંત્ર દ્વારા સારી કામગીરી કરવામાં આવી છે પરંતુ પ્રશાસન પાસે પૂરતા સાધનો નતા એટલા માટે વિલંબ નહીં, એવું નથી, આમાં એવું છે કે પાણીનો વેગ એટલો બધો છે કે કોઈ પણ પ્રકારનું સાધન નાખવામાં આવે તો આ પહોંચી શકે એમ નહોતું, અહીંયા હોડી ચાલી શકે એમ નહોતી, પાણીનું વેગ બહુ વધારે હતો અને કોઝવેના કારણે એની ડેપ્થ નહોતી મળતી, એટલે નાવ જેવું પણ સાધન અંદર ઉતારવું શક્ય નથી। અમારી પાસે ફાયર બ્રિગેડ પાસે જે સાધનો હતા એ બધા ઉપલબ્ધ સાધનોથી અમે લોકોએ પ્રયત્ન કર્યો છે। લાઇટની વ્યવસ્થા બિલકુલ વગડો છે અને છતાંય વાહનોની હેડલાઇટથી, આપણે હાઈ ઇન્ટેન્સિટી લાઇટથી આપણે બધાએ મદદ કરી છે અને અમે લોકો એના બધાના સહયોગથી આપણે આજે સક્સેસફુલી બધાને રેસ્ક્યુ કરી છે। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री नदी पर बालाजी ग्रुप द्वारा अगोरा मॉल बनाया गया है और अगोरा मॉल जब बना भी नहीं था तब से ये अवैध होने का हो हल्ला होता रहा है, लेकिन प्रशासन या कॉरपोरेशन द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई और अब आखिरकार सालों बाद विश्वामित्री नदी में आई बाढ़ से सरकार पर जो दबाव बना है उसके बाद वडोदरा महानगर पालिका ने नोटिस देकर अगोरा मॉल के अवैध निर्माण को ढहाने की शुरुआत की है। 3 दिन पहले अगोरा मॉल का क्लब हाउस अवैध होने की बात वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा ने स्वीकार की थी और अब 72 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होने पर वडोदरा महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग की टीम ने बालाजी ग्रुप के अगोरा मॉल में बनाए गए क्लब हाउस को तोड़ने की शुरुआत की है, जिसमें 7 से 8 जेसीबी मशीन लगाए गए हैं और पुलिस बंदोबस्त के साथ इस निर्माण को ध्वस्त करने का कार्य शुरू किया गया है। Right.
अगोरा मॉल के अंदर आया हुआ क्लब हाउस। सर्वे के मुताबिक टीडीओ डिपार्टमेंट द्वारा उनको नोटिस दिया गया था और अभी टीडीओ डिपार्टमेंट द्वारा ही दबाव दूर करने की कार्रवाई चल रही है। अगोरा मॉल के अंदर आया क्लब हाउस, उसको दूर करने के बाद से जेसीबी मशीन, थाने पुलिस स्टेशन का स्टाफ है और टीडीओ डिपार्टमेंट के डेप्यूटी टीडीओ श्री शैलेश प्रजापति साहब, उनका स्टाफ, थाने पुलिस स्टेशन दूर करने की कार्रवाई चल रही है। गुजरात सरकार के कड़े निर्देश के बाद अब आखिरकार वडोदरा के अगोरा मॉल का एक छोटा सा हिस्सा तोड़कर वडोदरा महानगर पालिका अपने हिस्से की कार्यवाही करने का संतोष तो मान रही है, लेकिन क्या इससे विश्वामित्री में आने वाली बाढ़ रुक जाएगी, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। ये दीवार, ये क्लब हाउस, 6.5 साल से हमने यहाँ पर लड़ाई की। 1,00,000 स्क्वायर फीट जमीन विश्वामित्री के अंदर मट्टी भर के उन्होंने एंक्रोच किया था। 6.5 साल तक इसमें इतना भ्रष्टाचार था, मुख्यमंत्री तक, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री तक इसमें शामिल थे, तो आज तक कोई एक्शन लेने की किसी ने हिम्मत नहीं की थी। जब फ्लड्स आए तो अभी पब्लिक प्रेशर की वजह से ये दिखावे की कार्यवाही हो रही है, पर एक्चुअली अगर देखा जाए तो विश्वामित्री में ये जो जोन फेयर करके ये पूरा मॉल बनाया है, ये ही इल्लीगल बनाया हुआ है, इसी में भ्रष्टाचार है। और ऐसा एक नहीं है, विश्वामित्री के आसपास जितने भी जोन चेंज करके उन्होंने बिल्डिंग परमिशंस दी थे, सभी बिल्डिंग परमिशंस अभी रद्द पात्र है और वो सभी जो जोन फेयर किए वो इल्लीगल है। इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ये डिसीजन पहले लिया होता तो शायद ये एनक्रोचमेंट, ये 1,00,000 स्क्वायर फीट जो यहाँ पर पानी रुक सकता था, अगर इसको हटाया गया होता पहले तो शायद समा और अपस्ट्रीम में जो पानी भरा था उतना पानी नहीं भरता, इतने लाखों लोगों को जो नुकसान हुआ है वो नुकसान कम होता। छत्तीसगढ़ के गोरिल्ला पेंचा मरवाही में जिला पुलिस द्वारा ऑनलाइन खेले जा रहे सट्टे पर बड़ा खुलासा किया गया है, जिसमें सट्टा खेलने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की कार्यवाही पर गोरिल्ला पेंचा मरवाही की जिला पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने जानकारी दी। मरवाही पुलिस के द्वारा ऑनलाइन गैम्बलिंग के ऊपर में एक अच्छी कार्रवाई की गई है, जिसमें विशेष सूचना प्राप्त हुई थी, उसमें अलग अलग साइबर और मरवाही टीम का गठन करके जो है सभी जगह पे रेड कार्रवाई की गई थी और इसमें 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है जो ऑनलाइन सट्टा कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे ग्रैंड एक्सचेंज, थंडर एक्सचेंज के माध्यम से संचालित कर रहे थे और इसके जो मुख्य सरगना स्नेहिल गुप्ता नामक व्यक्ति और आयुष जायसवाल जो मरवाही थाना के रहने वाले हैं, इनकी और साथ में 6 और सहयोगियों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। सभी के मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, लगभग 20,000 रुपये नगद जब्त किया गया है और लाखों की सट्टा पट्टी इनसे बरामद की गई है और अग्रिम विवेचना इसमें जारी है। अभी कुछ दिन पहले ही इसकी खबर मिली थी, जिसके बाद में ये गोपनीय टीम गठित करके कार्रवाई की गई है और ये लगभग पिछले 1 वर्ष से जो है यहाँ पे इस तरह की किसी ना किसी ऐसी अवैध गतिविधियों में संलिप्त थे और ऐसी सूचना मिल रही है और बाकी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड आगे देखा जा रहा है। कुछ लोगों के प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, उसकी भी छानबीन की जा रही है। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है।
आरआर सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, विच मींस अपग्रेडिंग योर लाइफस्टाइल एंड अपग्रेडिंग योर लिविंग स्पेस, एंड दैट इज व्हाई द बेस्ट चॉइस इज ट्रिलॉजी बाय कोटियार। Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. हमें लड़की पसंद है, कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू आरआर सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड ब्लेड्स, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। आरआर सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments, ya tamne marche grand living room with an amazing view, sathe comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms lo pehlo bedroom with an amazing balcony view, sathe the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house, this is so amazing. So grand and so beautiful. Best vada apartments ni ye chahiye kahiya tumne mara se walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के जूनागढ़ में प्रशासनिक कार्यवाही से नाराज भैसान तालुका के 20 गांव के सरपंच ने 15 दिनों के लिए अपने इस्तीफे दे दिए हैं।
भैसान तालुका के 20 गांवों के सरपंच ने अपने अलग अलग मुद्दों पर 15 दिन के लिए इस्तीफा देकर नाराजगी जताई है। दरअसल तालुका विकास अधिकारी द्वारा आयोजित बैठक में बिल न बनने के साथ जीएसटी और कई लंबित कार्यों मुद्दे चर्चा की गई। बार बार जिला पंचायत कार्यालय में धक्के खाने के बावजूद सरपंच के काम नहीं हो रहे हैं, जिससे सरपंचों में आक्रोश देखने मिल रहा है। इस मामले तालुका विकास अधिकारी द्वारा तलाटी मंत्रियों को 15 दिनों की मोहलत दी गई है और इसी बीच 20 जितने गांव के सरपंच ने 15 दिन के इस्तीफे के रूप में सरकार को अल्टीमेटम दिया है। हिसार तालुका ना तमाम सरपंचो आज रोज तालुका विकास अधिकारी बैठक योजे, जेमा जे हमारे सरपंचो ना पड़तर काम ने बिलो नथी बनता, जीएसटी मुद्दे ने प्री ऑडिट मा वारंवार सरपंचो जिला परिषद ना धक्का खाता होय, एना संदर्भ मा आज रोज तालुका विकास अधिकारी बैठक बोलावी, तेमा अत्यारे हाल तालुका पंचायत कचेरी भेसाण तालुकाना जेटला सरपंचो हाजर था, अत्यारे हाल राजीनामा तालुका विकास अधिकारी ने अथवा सुप्रत करी दीधा हो। अने बीजी बात करिए तो जे गौचर मुद्दे, जे गौचर हटावानी बात गुजरात सरकार करी छे, एना माटे मालधारी समाजे आवेदन पत्र पण आप्युं छे अने उपवास माथे बेहवानी तंत्र ने धमकी आपी छे, तो एना माटे वहीवटी तंत्र ने साथे राखी अने सरपंचो पेशकर्मी दूर करवा माटे सक्षम छे, पण ज्यां सुधी હદ અને નિશાન ડીએલઆર અને તાલુકા વિકાસ અધિકારી કે મામલતદાર જે તે વહીવટી તંત્ર આવતું હોય હદ અને નિશાન નહીં બતાવે ત્યાં સુધી સરપંચો આપમેળે ખુદ પેશકદમી દૂર કરવા માટે સક્ષમ નથી। આજરોજ ગ્રામ પંચાયતના સરપંચશ્રીઓ અને તલાટી મંત્રીશ્રીઓની સંયુક્ત બેઠકનું ભેસાણ તાલુકા પંચાયત ખાતે આયોજન કરેલું હતું અને જેમાં સરપંચશ્રીઓના અગાઉથી જે જૂના વિવિધ પડતર પ્રશ્નો છે અને એની મુશ્કેલીઓ છે એ બાબતે તેઓએ વિવિધ રજૂઆતો કરી હતી અને જેમાં મુખ્ય રજૂઆત તરીકે જે ગૌચરના સર્વે નંબરો છે એ ગૌચરમાં દબાણો દૂર કરવા માટે સરપંચશ્રીઓને આપણે કહેવામાં આવેલ છે, તે બાબત સરપંચશ્રીઓને એવું કહેવાનું છે કે ભાઈ ગૌચરમાં અત્યારે કોઈ હદ નિશાન નથી અને વર્ષોથી દબાણો છે જેથી નક્કી કરવા શક્ય નથી, જેથી ડીઆઈએલઆર શ્રી કચેરી તરફથી માપણી કરી આપવામાં આવે, તલાટી પંપ મંત્રીશ્રીઓ પણ કોઈ ટેકનિકલ કર્મચારી ન હોય, માપણી કરી આપવામાં આવે તો અમે દબાણ દૂર કરવા તૈયાર છીએ અને વહીવટી તંત્ર અમને આમાં સાથ આપે તે બાબતે સરપંચશ્રીને પૂરી બાંહેધરી આપવામાં આવી છે। દબાણ દૂર કરવાની જો સરપંચશ્રીઓ પહેલ કરશે અને પોતાની ફરજ બજાવે એમાં તો વહીવટી તંત્ર એની સાથે છે। આ માટે અત્યારે ઓનલાઈન નવી માપણી ઓનલાઈન થયેલી હોય, હાલ નવા અગ્નિશન નથી પરંતુ ઓનલાઈન એ સર એપ્લિકેશન મોબાઈલ એપ્લિકેશન દ્વારા માપી શકે છે, તેથી સરપંચશ્રીઓને તે બાબતે સમજૂત કરી કે ભાઈ તકમશ્રીઓ છે એમને અમે સૂચના આપી છે એ મુજબ રફલી માપણી કરે અને કોઈનું વધારે નીકળતું હોય તો આ દૂર કરવા નોટિસ આપે। સરપંચશ્રીઓની એકલા નહીં પણ આખી ગ્રામ પંચાયતની જવાબદારી છે, જેથી ગ્રામ પંચાયતને વિશ્વાસમાં લઈ અને દબાણની કાર્યવાહી કરે અને બીજું કે ખાસ કરીને રહેણાંકના દબાણો જે છે ગામતળમાં કે બીજે કોઈ જગ્યાએ એને નિયમિત કરવા ગ્રામ પંચાયતો તરફથી ભલામણ છે, તો આવા કેસમાં જે કોઈ દરખાસ્તો આવશે તે અન્વયે જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને કબજા હક અને આકારણીમાં મકાનો લેવા માટે પણ સરપંચશ્રીઓની રજૂઆતો હતી, જે કાયદેસર દબાણ છે નિયમિત ન થઈ શકે એને દૂર કરવા માટે સરપંચશ્રીને જણાવ્યું અને જે ખરેખર દબાણ નિયમિતના કિસ્સાઓ તેમના તરફથી રજૂ થશે એ સરકારશ્રીમાં યોગ્ય કાર્યવાહી રજૂ કરવામાં આવશે। 19 सितंबर को मुजफ्फरनगर से मुंबई जा रही लक्ष्मी अधिकारी नामक महिला के जेवर भरा थैला वडोदरा रेलवे स्टेशन पर चोरी हो गया था। इस मामले की शिकायत रेलवे पुलिस में की गई थी, जिस पर पुलिस ने फौरन एक्शन दिखाते हुए सीसीटीवी कैमरे की सहायता से चंद घंटे में चोर को पकड़कर 7 लाख रुपए के जेवर लक्ष्मी अधिकारी को अर्पण कर दिए हैं। 13 तुझको अर्पण के तहत इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया, जिस पर उन्होंने रेलवे पुलिस का आभार प्रकट किया है। मुंबई से दिल्ली जा रहे थे जी, फंक्शन अटेंड करने गए थे जी, और मुजफ्फरनगर से मुंबई जो है वापिस आ रहे थे, रेलवे में मतलब चोरी हुआ वडोदरा रेलवे पुलिस ने पकड़ा और हमें हमारा सामान मिल गया। वडोदरा पुलिस अधीक्षक पश्चिम रेलवे सरोज कुमारी साहब तथा नायब पुलिस अधीक्षक वडोदरा विभाग वडोदरा जी एस बारिया साहब ने सूचना और मार्गदर्शन हेठ જે ઘટના બનેલી હતી તેની છાનબીન કરવા માટે અને જે ચોરી થયેલી હતી એના તુરત જ ગણતરીના કલાકોમાં શોધી કાઢવા માટે સૂચના આપવામાં આવી।
આજે પીએ સાયબર ટીમ બનાવેલી અને તાત્કાલિક સીસીટીવી ફૂટેજ ચેક કરવામાં આવેલા પ્લેટફોર્મ પર તરત જ ટીમો રવાના કરવામાં આવેલી હતી અને ગણતરીના કલાકોમાં તાત્કાલિકમાં જ એક અજાણ્યા એસમની હરકતો છે એ અનનેચરલ જોવા મોકવા મળી હતી. તો આ અનનેચરલ મુવમેન્ટના આધારે અને સીસીટીવીની મુવમેન્ટ સીસીટીવી ફૂટેજને ચેક કરવા કર્યા અને આ ઈસમને પકડી પાડેલો હતો અને એ ઈસમને પકડી પાડી અને તેની પૂછપરછ કરી તેનો સામાન છે એ ચેકિંગ કરવામાં આવતા તેની પાસેથી આ ગોલ્ડનો સામાન મળી આવેલો હતો જે આધારે વધુમાં પૂછપરછ કરતા અને તેમાં વધુ જે કિંમતનો સરસામાન હતો તેની સાથે મોબાઈલ અને અન્ય ડોક્યુમેન્ટ ચેક કરતા જે વ્યક્તિનો સામાન હતો તેની સાથે સંપર્ક કરતા એ વ્યક્તિનો સામાન મળી આવેલો. गुजरात के सूरत में नवरात्रि की तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही है. इस वर्ष नवरात्रि के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा. सूरत पुलिस द्वारा नवरात्रि में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत की अध्यक्षता में बैठक ली गई जिसमें शहर पुलिस के अधिकारी और गरबा आयोजक शामिल हुए. इस मौके पर गरबा आयोजनों की तैयारी की समीक्षा के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दों पर भी चर्चा की गई. आज माननीय सीपी सर की अध्यक्षता में जितने भी गरबा के आयोजक हैं उनके साथ में और सारे सीनियर अधिकारी की हाजिरी में मीटिंग हुई. तो आयोजकों की तरफ से जो जो शंकाएं थी, परमिशंस को लेके, मैनेजमेंट को लेके जो सवाल थे उनके संबंध में चर्चा हुई और सभी को डिटेल में बताया गया है कि डूज एंड डोंट्स के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, सेफ्टी के बारे में, जो जो परमिशंस लेनी है उन सब के बारे में चर्चा हुई. और सारे हम सूरत पुलिस परिवार जो है वो एकदम प्रतिबद्ध है कि शांतिपूर्ण तरीके से और सुरक्षित तरीके से गरबा का आयोजन सूरत सिटी में हो.